अभी मन मार रही हूँ ताकि आगे मन ना मारना पड़े। ये बात वो मेरे को काफी अजीब सा लग रहा है कि अकेला जा रहा हूँ, अकेला वापस आऊंगा, तो वो ना वाइब आती नहीं है, क्योंकि जब से शादी हुई है जब से मैं कहीं भी गया हूँ, कहीं भी कल्पना के साथ ही गया हूँ, अकेला कभी नहीं गया। So what's up guys, स्वागत आप सभी का आप सभी शान फिट मनजीत व्लॉग्स पे। तो गाइज आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, तो भाई अभी मेरे को जाना था जारा, क्योंकि यार शॉपिंग करनी थी और एक दो वीडियो निकालनी थी मुझे। कौन सी होती है वो? Get ready with me. तो गाइज आज मेरे साथ सब रेडी हो जाओ, तो जाके पहले शॉपिंग करते हैं भाई, एक बड़ी सी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग शूट कर लिया जाए, तो मैं और कल्पना निकल रहे हैं। क्या कर रही हो तू? क्या स्लाइडर्स? ओके है, बनेगी तू राइडर। सिर्फ मेरा ही नाम लेती है कि आपकी चीटी थी, आपकी चीटी ने काट दिया। तो भाई एक बात बता, अच्छा तुम मेरे को कॉमन सेंस यूज करके बता, अगर वो चीज ग्लास वहां पे टूट गया तो उसको वो छोड़। तू ये बता मेरे को, एक पैर पे अगर तुम्हारे पैर पे कुछ यू करके भाई कांच लग गया, तुम यू करके साफ करोगे या उसको यू करके हटाओगे? जितनी पहले आ जाते तो ये फायदा होता है, गाड़ी निकलवा लेते हैं, बाइक से भी लेट हो जाते हैं। हाँ वो जितनी जल्दी भाग आते हैं, लेके आ जाओ और उसके उसके बाद मेरी शॉपिंग भूल जाती है, अपनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ चले जाऊँ वहाँ चले जाऊँ। ये क्या है? तो गाइस शॉपिंग कर लिए जो करने आए थे, और इस मैडम को अभी से भूख लगाई, ये मेरे से मांग रही है पिज्ज़ा, और इसको पिज्ज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे दिन बाहर का खाती है। दैट्स व्हाई। तो भाई ये चीज़ तो सही लगती है, वीकडे में ना मॉल में बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है, तो आराम मस्त शॉपिंग कर ली है, थोड़ा टाइम भी लगा देखा जाए तो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। नहीं टाइम से लग गया, पर इतना नहीं लगा यार, पहले ना बिलिंग में ही साला बहुत टाइम करा दी ना, हां इसलिए शॉपिंग करा दी ना। ओ आ गया, और भाई थोड़ी देर नीचे आ गई है तो। अबे थर्ड है, किस पे जाना है? अच्छा और भाई इसको मैंने बोला था थोड़ी देर पहले ये पिज्जा नहीं खिलाऊंगा, तो इसने मुंह बना लिया बहुत गंदा, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको खिलाना पड़ेगा। क्यों मुंह बना तो मुंह बना रहा है अंदर से? अच्छा नहीं लगता ना फिर, आगे तो शॉपिंग करनी है भाई, तो इसमें शो तो ऐसा हो रहा है जैसे ये मेरे को शॉपिंग करा रही है। पसंद करवाया? नहीं शॉपिंग भी तो नहीं कराई है भाई, हर चीज ढूंढवाई है, वो अलग बात है, वो गेट रेडी नहीं, बिल मैंने दिया। तो भाई मैडम ने तो ले लिया फिर लगना पिज्ज़ा, शर्म ना आती तुझे मेरे सामने से खाते हुए? शर्म ना आती मैं आपको मेरे सामने शॉपिंग करते हुए? देख लो तुझे बात तो सही है, देखो लड़की हो गई हम दोनों हैं, 5,000 की जगह 400 रुपये में काम करें तो आपको खुश होना चाहिए, मैं 4,000 की 400 रुपये खर्च करें। ठीक है अब मैं शॉपिंग करूँगा, तेरे को खिलाऊंगा, शॉपिंग मत मांगी तरह, शॉपिंग मैं सस्ते में कर लूँगी। और भाई ये पिज्ज़ा तीन नहीं है, दो पिज्ज़ा एक टाको है ना, मुझसे खाने के बचा हुआ है तो एक घर जाके खा लूंगी। तो गाइस वहां से सीधा आ गए हैं, पापा आए यहाँ पे दिखाने की, देखो भाई कितना काम हो गया तुम्हारा, और ऑलमोस्ट पापा 90% हो गया है, 10% बचा है भाई, पापा ने तेरी मम्मी मेहनत करी है पर ऑलमोस्ट भाई एक महीना और लगेगा इसमें, फिर अपना चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिनिशिंग होने लगी है। हां थोड़ा फिनिशिंग का बच गया, बाकी जब हवन होगा तब बताएंगे आपको, तब दिखाएंगे प्रॉपर दरवाजे और बिजली का काम शुरू हो गया है। हां हां और एक डेढ़ महीने में रेडी हो जाएगा। कैसा लग रहा है भाई मकान? मस्त हो गया ना, अभी तो ऊपर होगा, कोई नहीं पर ये आगे ही काम देगा, बेस्ट चीज लगा रहे हो और क्या, बेस्ट निकल के भी आएगा। और भाई ये 5 मंजिल का ऊपर तक पूरा, हाँ जब हवन होगा ना तब आपको प्रॉपर सब कुछ दिखाएंगे इसमें। आ गए जी, कितने बजे निकलोगे आप? मैं निकलूंगा थोड़ी देर में। तो भाई अभी हम आ गए थे मॉल ही, तभी फोन ही आ गया, इसके पैर नहीं साफ किए, कर दिए मिट्टी लगी है, बस वो सूख रखा है, मिट्टी लगी है, तो फोन ही आ गया कि क्या कहते हैं इनको वहाँ पे मसल्स का कोई मीटअप है वहाँ पे जाना है, तो सही हो गया, कपड़े भी ले आए और सेम डे फोन आ गया कि मीटअप पे जाना है,
कपड़े यूज हो गए हाँ, खराब भी हो। हाँ सही बात है। तो फिर अभी एक घंटे बाद तो रेडी हो गया। हाँ मैं तो चले जाके ऊपर खाना बना लेती हूँ। क्या बना रही है? छोले। आप तो खाओगे नहीं? मेरे फेवरेट है। नहीं दोबारा बना देंगे। अच्छा बनाती छोले? दोबारा बना देंगे। वो तो बना ही देती है, तो पता है यही तो तेरी खास बात है, बोलने से पहले चीज़ें रेडी कर देती है। अच्छा जी। तेरे को अच्छा लगता है मेरे खाना खिलाना? सबको टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाना। सबको मतलब मम्मी पापा को आपको? एक ये सुकून तो मिल जाता है कि रात को बढ़िया सा तेरे हाथ का खाना मिल जाता है। एक टाइम का एक टाइम ही खाता हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। घुमाया तू पिल्लियों से? मिलाया अपनी दोस्त पिल्ली? सारी दोस्त हैं उसकी। हाँ। ऐसे चिपड़ जाती ना जाते ही। कैसा लग रहा है अपने सपनों का मकान देख के? बहुत मेहनत लग रही है यार। हम ये जानते हैं कैसे पाई पाई जोड़ जोड़ के कर रहे हैं, हार्ट टाइट रख के सब कुछ करके। भाई साहब, भाई मेन चीज़ पता क्या गलत ना? क्या? तेरी मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्या? कि अगर तेरे को ना दो चीज़ चाहिए होती है ना, तो तू एक ही चीज़ लेती है। क्योंकि जब तेरे को पता है कि दो चीज़ तेरे पास है तो एक से काम चल जाता है, तो दो तीन चीज़ें लेती नहीं हो तू। अभी भाई मतलब जितनी नीड होती है उतनी लेती, ओवर नहीं करती है चीजें। मन तो करता है और क्योंकि लड़की हूं औरत हूं भाई, पर ये है कि भाई मन में अभी इतना पैसा लग रहा है उधर, तो धीरे धीरे करके जोड़ेंगे अगर तभी होगा ना अच्छा। हर तेरे को हर चीज मिलती है? नहीं मिलती जो चाहती है। सब मिलती है मुझे, मुझे पता है। जो नीड होती है वो मिलती है, जो इच्छा होती है उसको मारती हूँ मैं, क्योंकि अभी हमको जोड़ना है। सही बात है, यही होना चाहिए क्योंकि लाइफ पड़ी है पूरी, फिर अब मौज करने के लिए एंजॉय करने के लिए अब फ्यूचर अच्छा होना चाहिए ना उसके लिए। अभी मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, सही। इसलिए अभी मन मार रही हूँ ताकि आगे मन ना मारना पड़े। ये बात। बादल बादल ऊपर चले हैं भाई, चल ऊपर चले, चल चल ये देखो चलो ऊपर। बेबी आप लेट हो जाओगे फिर, साफ है गंदे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, चलो एक बार आके फिर ऊपर दिखा देना मुझे। और हमारे पापा को देखो, दोनों मॉल गए हैं। मम्मी पापा और ये टीवी चला के गए हैं, भजन चला के। तो भाई आज बनेंगे छोले। इन सबको मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद है, तो हर चौथे पांचवे दिन छोले, हफ्ते में एक दो बार तो छोले बन ही जाते हैं। तो करते हैं अभी तैयारी शुरू। तो मेरी सांस इसलिए चढ़ रही है क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। ओहो पर प्याज तो है ही नहीं। चलो हमारे पापा ले आएंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। हो गया रेडी? दुबई वाला परफ्यूम है क्या? मस्त खुशबू है इसकी और बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपसे मिलते हैं। नहीं अभी व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, जाओ आप व्लॉग दो फिर। बाय, ध्यान से जाना। मैं अभी नीचे गई थी बस क्योंकि वो रेडी हो रहे थे। दोनों चुप। ओए मेरे पिल्ले, ये देखो मेरा पिल्ला टकला हो गया है क्योंकि गर्मी आ रही है बहुत ज़्यादा और इसको एलर्जी हो रही थी। क्योंकि ये और ऑस्कर मिलके पूरे दिन कुछ ना कुछ चुरा चुरा के खाते रहते, उल्टी सीधी चीज़ें। दोनों इतने शैतान हो रहे हैं ना। आ गया बेवकूफ है। ले आए? कहाँ है सामान? सामान बैग से नीचे रखा है। अच्छा मनिया को बोल देते हैं शॉपिंग आपकी। शॉपिंग पहले ही चेक कर रहा है। मजदूरी? क्यों मजदूरी, क्या शॉपिंग है? ये साथ जाते हैं तेरी मम्मी और पूरा एक पैसे हिसाब करिया करती है। मेरा सामान ला देगी। नहीं अब मेरे तबे सही हो ना? तो सही होती तो कौन सी तो दफ्तर में बैठे थे। मैं तो मैं बैग में सिर्फ धर को पढ़ लिया होती। अब मेरा बहुत बहुत टाइम गया जब तू घास का भागे लाया करती। हो गई चेकिंग? पापा आ गए थे, सारी सब्जियाँ ले आए थे। तो अपने छोले तो बन चुके हैं और ये है रोटी। अब रोटी बन रही है और पापा खा रहे हैं और वो खा रहे हैं। बस अब उसके बाद मम्मी की रोटी बनाऊंगी। तो गाइज मैं जा रहा हूँ पार्टी में, जैसे कि आपको बताया था कि अभी एक पार्टी है बिग मसल की, सारे क्रिएटर वगैरह जितने भी है सब आ रहे हैं। तो हम सारे एक मीटअप सा हो रहा है, तो सारे मिल मिल के बात बात करेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे की जो भी है। तो भाई पहली बार मैं पार्टी में जा रहा हूँ कल्पना के बिना, वो मेरे को काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि अकेला जा रहा हूँ, अकेला वापस आऊँगा। तो वो ना वाइब आती नहीं है क्योंकि जब से शादी हुई है जब से मैं कहीं भी गया हूँ, कहीं भी कल्पना के साथ ही गया हूँ, अकेला कभी नहीं गया। तो आज पहली बार जा रहा हूँ तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। मतलब वो रहती है ना तो मज़ा आता है। वैसे कुछ भी कहो तू तो मैं चलती रहती है, लड़ाई होती रहती है, बातें वो मुंह बनाती है मैं मुंह बनाता हूँ, बट एक वाइब अलग आती है कि मज़ा आता है भाई। फैमिली का यही तो मतलब होता है यार, हमेशा प्यार। आई लव यू कल्पना। बेबी कैसी रही पार्टी? बढ़िया। मज़ा आया? यस। इन्फ्लुएंसर्स आए होंगे काफ़ी सारे, है ना? सही लगा?
ब्लॉग शूट किया थोड़ा भी। चलो सही है। तो गाइस मेरी भी खाना वाना बना के खा के मैं नीचे आ गई थी। मेरी जो है साइनस की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा और मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा अभी। तो ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।